मंडी जिला में पंचायत राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए स्वरोजगार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों की कड़ी में मंडी में ऐसे दो सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी उपायुक्त मंडी ऋत्विक ठाकुर ने स्वरोजगार सम्मेलन के आयोजन की तैयारियों को लेकर बुलाए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक के बाद दी। उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों में मंडी जिला के पंचायती राज संस्थाओं के 4674 जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें जनप्रतिनिधियों को विभिन्न विभागों की योजनाओं व उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि इसके लिए सभी विभागों की सफलता की कहानियों पर रोचक लघु वृत्त चित्र बनाए जाएंगे, जिन्हें जनप्रतिनिधियों को दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में विभागों की 50 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी व स्टॉल लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने अपने विभाग की योजनाओं पर पंपलेट, बुकलेट इत्यादि बनवाकर जिला पंचायत अधिकारी को दें। उन्होंने सभी विभागों को आपसी तालमेल से स्वराज सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सहयोग देने को कहा। इस अवसर पर उपनिदेशक पर्यटन पंकज शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी हरि सिंह ठाकुर, पुलिस उप अधीक्षक कर्ण गुलेरिया, परियोजना अधिकारी DRDA नवीन शर्मा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र OP जरियाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी RC बंसल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश सहित सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि हर जिले में जो पंचायती राज संस्था के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक सम्मेलन का आयोजित किया जाए, जिसमें कुछ ट्रेनिंग मटेरियल, IEC मटेरियल वगैरह भी उनको उस टाइम पे दिया जाएगा। उसके संदर्भ में आज हमने सभी डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ पर बैठक की जिला मंडी में कि सम्मेलन जब भी यहाँ पर निर्धारित होगा उस टाइम पे हम सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने स्कीम्स के बारे में जो पंचायती राज संस्था के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको उसको जानकारी दे पाए, उनको मटेरियल दे पाए, उसकी तैयारी को लेकर आज ये बैठक मंडी में आज ऑर्गेनाइज की गई और डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी गई थी तीन विषयों पे कि जिसमें जो उनका IEC मटेरियल है उसके बाद वो DPO पंचायत को दे दे ताकि वो पूरा जो मटेरियल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को देना है वो तैयार कर सके। साथ ही साथ अपने स्कीम्स के बारे में प्रेजेंटेशन, वीडियो, सक्सेस स्टोरीज इस तरह से बताएं ताकि अपने डिपार्टमेंट की स्कीम्स को वो इन सब लोगों के सामने जो चुने प्रतिनिधि उनके सामने रख पाए। और तीसरा जो सरकार का इस वर्ष की थीम है 50 इयर्स हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के हुए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए डिपार्टमेंट्स को अपनी अपनी उपलब्धि 50 साल के प्रगति के बारे में उसके बारे में भी अपनी तैयारी कर रहे हैं एक स्टॉल्स के माध्यम से और अपने कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी अपनी बनाएं कि 50 इयर्स की वो डेवलपमेंट अपने डिपार्टमेंट की बता पाएं। तो ये तैयारी को लेकर आज यहाँ पर बैठक की गई, सबको डायरेक्शन दिए गए हैं ताकि जब भी सम्मेलन होगा हम तैयार हैं और एक अच्छा सम्मेलन आयोजित किया जा सके।